ऐसा कर, मस्त रोड है यार, बहुत सही है, बहुत मतलब एक नंबर। ये देखो कुछ तो यूनिक बनाया है ये, कहाँ है काका? अरे 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 अरे, ये रिसेंट एक्सीडेंट लग रहा है। एम्बुलेंस ले, 10 मिनट झाला फोन केलाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ATG व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ नागपुर। जब से मैं ये राइड पे आया हूँ तब से ऐसे लग रहा है कि नए नए प्लेसेस देखूँ, नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करूँ, और वही मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का। नागपुर में एक्चुअली एक काम है मुझे, वो करना है, एंड उसके बाद अगर हो सके तो एक दोस्त भी है उसके साथ, तो नागपुर में एक्सप्लोर करने का सोच रहा हूँ। लेट्स सी कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है आजकल। कल रात को बारिश का मौसम बन गया था, आज भी थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है, इसके लिए फिर मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम धूप में यहाँ पे निकलना मतलब बहुत हेक्टिक रहता है, इसके लिए फिर मैं ज़्यादा कहीं पर गया नहीं हूँ। आज का जो व्लॉग रहेगा वो मोस्टली मोटो व्लॉग रहेगा, सो एंजॉय करते हैं राइड को। पहली बार मैं इस रूट पे जा रहा हूँ अपने पैंथर के साथ, तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जो भी रहेगा आपके साथ तो शेयर करने वाला हूँ। बाकी की स्टोरी, बाकी की बातें हम लोग बाइक पर करते हैं अभी। ओके, सो इट्स 11:46 राइट नाउ, और यहाँ से मैं अमरावती जाऊँगा। अमरावती होके फिर आगे नागपुर का जो हाईवे है उस पर कनेक्ट करूँगा। तो परतवाड़ा से नागपुर इज अप्रॉक्स 180-185 किलोमीटर समथिंग, मैंने कल मैप में देखा था। मैंने आज पूरा टॉप बॉक्स ले लिया है साथ में, जो भी सामान उसमें पड़ा हुआ था वो सारा का सारा ले लिया है। कभी क्या लगेगा ना मालूम नहीं पड़ता है। जैसे अभी ये जो बटन है ये काम नहीं कर रहा था आते वक्त, और निकलने से पहले मैंने सोचा था कि WD-40 नहीं लेते क्योंकि ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, मैंने चेन ल्यूब ले लिया था साथ में। लेकिन उस पॉइंट पर जब ये बटन ख़राब हुआ ना, तब उस पॉइंट पर मुझे लगा कि नहीं, WD-40 अपने पास अगर रहता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, लेकिन ठीक है कोई नहीं। लेकिन अपना पैंथर जो मजबूत है ना यार, जो फील आता है ना इसको चलाने के बाद, कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली रास्ते इतने फ्री है। पैंथर एक पॉइंट के बाद थक जाता है, बोलता है अरे भाई बस कर, मुझे इतना मत भगा। लेकिन बहुत सही मशीन है यार ये, बहुत सही, मुझे तो पसंद आया। ओवरवेट है क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा जो सामान लगा के रखा है ना, उसकी वजह से फिर छोटा सा भी पत्थर रहता है ना उसको क्रॉस करना भी एक डिफ़िकल्टी बन जाती है मेरे लिए, क्योंकि मेरा वेट उतना नहीं है या मेरी बॉडी उतनी नहीं है। बट ओवरऑल जब रास्ते से चलती है ना मशीन, ये ओए होए होए, बहुत मज़ा आता है। नागपुर जाने के लिए वैसे दो रास्ते हैं, जो मैं अभी जा रहा हूँ अमरावती से, और एक है चांदूर बाजार रेलवे, जो परतवाड़ा के पास से ही एक टर्न आता है, वो भी रास्ता काफ़ी अच्छा है। बट मुझे ये रास्ता मालूम है, इसके लिए फिर मैं ये रूट ले रहा हूँ। अमरावती 32, और रास्ता देख लो, अकोला 100, खामगांव 150, चिकली 200 ले आ रहे, लेकिन किधर जाने का है वो ही नहीं मालूम। अपने को जाना है लेफ्ट में, राइट साइड में अमरावती है, और मोस्टली ये अभी नागपुर हाईवे चालू हो गया है। 128 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है अभी। नक्शे की दुनिया सभी ने देखी है, पर दुनिया ने उसे ही देखा है जिसने पूरी दुनिया देखी है। इस रोड से जाते वक्त आपको टोटल 3 टोल लगते हैं, उसमें से ये पहला टोल है। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे रोड्स और ऊपर वेदर अच्छा मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है बाइक चलाने में। यहाँ के लोगों के लिए ये सब चीज़ें ना नहीं है, मतलब बाइक देखते हैं या फिर पीछे टॉप बॉक्स, जैकेट, हेलमेट, कैमरा, तो कंटिन्यू देखते रहते हैं, वो एक अच्छा लगता है यार। कोई कोई लोग उसमें से ऐसे भी रहते हैं जो चैनल देख के सब्सक्राइब कर देते, बात करते हैं, तो बात करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से।
अभी इतना अच्छा रास्ता है तो फोटो तो बनता है, इसके लिए अभी एक फोटो ब्रेक लिया है मैंने, मतलब इच्छा ही नहीं हो रही है, एकदम सीधा सीधा रोड है ऐसा कर, मस्त रोड है यार, बहुत सही है, बहुत मतलब एक नंबर। जो मूड बन चुका है ना राइड के लिए, उसको एंजॉय करके उसको फील करते करते मुझे जाना है। ओके चलो, मजा आया। ये देखो कुछ तो यूनिक बनाया है ये कहाँ है काका? ये तुम्बुजी महाराज जी समाधि है। अच्छा राष्ट्र संत तुम्बुजी महाराज, ये मंदिर है। अच्छा किती मोठं मंदिर आहे ते? आज चांगलं आहे ना मोठं? हो हे तेच आहे का मग तुकडोजी महाराज मूर्ती? अच्छा ते लोखंडी मूर्ती केली आहे त्यांची, 5 टन आहे ते। 5 टन? हो आता केली आहे, कलरिंग कलरिंग किया करायचं आहे। अच्छा गाव कोणतं आहे? मोदरी गुरुकुंजी मोदरी। कुठून तुम्ही? मी मुंबईवरून आलो। नाईस हो ना। हाँ ये अंदर मंदिर है और यहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी, और जो मूर्ति आपने देखी पहले वो उनकी ही मूर्ति है, अभी बन रही है, पूरी बनी नहीं है। 5 टन की मूर्ति है ये श्री तुकड़ोजी महाराज। ये ऊपर जो बनाया ना इन्होंने, ये कुछ तो लाइक अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैकेनिकल फील्ड में या मैकेनिकल प्रोजेक्ट में कैसे गियर्स वगैरह रहते हैं ना, वो कुछ बनाते हैं तो उस हिसाब से वैसे कुछ टाइप में इन्होंने ये बनाया है। अरे 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 ये रिसेंट एक्सीडेंट लग रहा है। ठीक है पाठवा दे। हाँ 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 धन्यवाद। केला केला है? ॲम्ब्युलन्स ले 10 मिनट झाला फोन केला आहे। चलो एक अच्छी बात ऐसी है कि वो जो अंकल थे उनको ज़्यादा चोट आई नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी से अच्छे हो जाए बस। पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, एम्बुलेंस को जब फ़ोन किया 102 पे तभी उनके सारे प्रतिनिधि व्यस्त थे, इसके लिए फिर पुलिस कंट्रोल रूम में जब फ़ोन किया तो अभी लाइक पहुँचेंगे ही ऑलमोस्ट 1-2 मिनट में। ठीक है चलो लेट्स कंटिन्यू द राइड। राइड से निकलते समय हर टाइम पे एक ही प्रे करता हूँ कि हर किसी का सफ़र जो भी रोड पे चल रहा है ना बंदा उसका सफल हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है यार। अगर इंश्योरेंस है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं भी रहेगा तो भी गाड़ी नहीं आ जाएगी, लाइफ नई नहीं मिलती है ना। एक बार जो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ हो गया तो फिर लास्ट तक वैसे ही रहना पड़ता है। अभी मैं जिधर वॉशरूम में रुका था टोल नाका गए, तो वॉशरूम अच्छा रहता है, शुरुआत में अच्छा रहता है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं पान की पिचकारी मारेंगे, नल गायब कर लेंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था कारंजा टोल नाका के पास जब मैं समृद्धि महामार्ग से आया, तो वहाँ पे लिटरली आईना गायब था, एक आईना था बेसिन के सामने और दूसरा गायब था, सिर्फ स्क्रू रह गए थे वहाँ पे, नल नहीं चल रहे थे। मतलब यार गवर्नमेंट आपको इतना अच्छा प्रोवाइड कर रही है सब कुछ, तो उसको यूटिलाइज अच्छे वे में करो ना, या खुद को नहीं करना है दूसरों के लिए तो रखो कम से कम। बैटरी के लिए फिर से रखना पड़ेगा मोबाइल द हाउस। चलो निकलते हैं अभी, बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया ये। इट्स 2:45 राइट नाउ। ओके मज़ा आया रुक के, अच्छा लगा। मैं यूजुअली राइड पे खाना नहीं खाता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक डर रहता है, क्योंकि मुझे होटल कैसा है वो मालूम नहीं रहता है ना। अगर मैं कहीं पे जाता हूँ और स्टे करता हूँ तो वहाँ पे मैं खाना खा सकता हूँ, क्योंकि अगर इनकेस बाई चांस कुछ हो जाता है, पेट ख़राब हो गया, तो फिर
अपने को मेडिकेशन के लिए सब कुछ इजीली अवेलेबल रहता है, लेकिन हाईवे पे कैसे अगर खाऊंगा एंड इन केस कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, तो फिर आई एम हेल्पलेस। इसके लिए मैं ट्रैवलिंग के समय खाना नहीं खाता, सिर्फ हाइड्रेट रहने के लिए पानी या फिर जूस छाछ ये सब पीता हूँ। दिस इज नेशनल हाईवे 353 I। फाइनली रीच्ड होम। ये सब करना पड़ता है झमेला राइड चालू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद। ओके चलो, ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और हाँ, नागपुर पहुँचने के बाद मैंने नागपुर के कुछ फेमस प्लेसेस एक्सप्लोर किए थे, तो वो आपको अगले वीडियो में देखने मिलने वाले हैं। सो डोंट मिस दैट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपको उस वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग। Oh, oh, oh.